झारखंड के जनपद सिमडेगा और जलडेगा के क्षेत्र समन्वयक एवं क्लस्टर समन्वयक के 2 दिनों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आज प्रारंभ पंचायत भवन जलडेगा में किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत जलडेगा के मुखिया द्वारा संबोधन से हुई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आने वाले 1 सप्ताह के बाद सभी किशोरियों को कलम में 7 दिनों का प्रशिक्षण शुरू कराना है तथा तेजस्विनी परियोजना से होने वाले सभी लाभ एवं तेजस्विनी परियोजना की पूर्ण जानकारी सभी किशोरियों को देकर उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण होने के लिए जीवन कौशल बनाने के बारे में बताना है। आज के इस प्रशिक्षण में जिला के जिला प्रबंधक सुजीत कुमार, जिला समन्वयक आशीष विजय एवं जिला प्रशिक्षण इकाई के अरविंद लुगुन, प्रखंड समन्वयक कमल ने, प्रशांत तिवारी, दीपक सोसण आदि लोग मौजूद थे। तो उसके अनुसार आप बोला क्या इनको पढ़ाने की आवश्यकता है, पढ़ाया जाए कि नहीं मौसम के अनुसार। तो बोले कि यहाँ मस्जिद फोन कर पूछा सर, पहले सर का फोन दीजिए, एक एक करके फिर जैसे उसको खुलवाना भी है, ठीक है। तो दूसरा है फिर क्या अपने इच्छा अनुसार कहीं जाने की इच्छा है तो जा सकती है कि नहीं जा सकती है, तो उसको आपका पट्टी फोन दीजिए, पट्टी फोन दीजिए। उसके बाद क्या है बोलने का पाबंदी है, कहीं बोल नहीं सकती है। अखंड भारत न्यूज के लिए अक्षय शुक्ला की रिपोर्ट, सिमडेगा।